हमारे प्राइवेट और इंटीमेट एरियाज जैसे कि इनर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रीजंस की वजह से काफी बार डार्क हो जाता है ये areas, करती हैं बहुत सारी birth, और इससे होती है काफी सारी so, आज की वीडियो डेडिकेटेड है इसकी ट्रीटमेंट पे हाउ डू यू सेफली लाइटन एंड ब्राइटन योर इंटीमेट एरियाज एट होम ये है आज की वीडियो तीन प्रोडक्ट्स का रूटीन है प्रोडक्ट्स आपको किसी भी ब्रांड में कहीं भी मिल जाएंगे एंड दिस इज सुप्रीमली अफोर्डेबल अगर आप ड्रग स्टोर का जो केमिस्ट फार्मेसी का रूट अपनाते हैं इसकी पूरी ट्रीटमेंट 500-600 रुपए से कम है हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड मेरा नाम है निपुन आपकी स्किन केयर बेस्टी एंडल्टेंट आज की वीडियो जैसे कि मैंने कहा डेडिकेटेड है ऑन हाउ डू यू लाइटन एंड ब्राइटन योर इंटीमेट एरियाज ताकि आप फील करें ब्यूटीफुल इन एवरी पार्ट ऑफ योर स्किन वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस बैक डेली कंटेंट क्योंकि मैं बनाती हूं एक नई साइंस बैक्ट वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड द ओनली चैनल ऑन प्लान अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स रात के कुछ ढाई बजे मैं शूट कर रही हूं बिकॉज आई हैव स्लैकिंग बैक है माई डेडिकेशन एंड फॉर योर लव ऑफ स्किन केयर इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अब करते हैं वीडियो को शुरू पहले के थर्टी सेकेंड्स टू वन मिनट हम स्पेंड करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग कि ये डार्कनिंग जो पिगमेंटेशन है होती क्यों है नंबर वन रीजन जो बहुत कॉमन है जो छोटे छोटी लड़कियों में टीन में भी मैंने देखा है और वो है इनकरेक्ट हेयर रिमूवल मेथड अब हेयर रिमूवल के लिए इंटीमेट एरियाज में आपके पास थोड़े से ऑप्शन हैं थोड़े से नहीं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं नंबर वन द वर्स्ट विच इज हेयर रिमूवल क्रीम्स हेयर रिमूवल क्रीम्स में काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेज होती हैं, काफी स्ट्रांग केमिकल्स होते हैं जिससे आपका इंटीमेट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डार्क हो जाता है इतनी जोर से मुझे कॉफिंग का बाउट आया एनी काफी बार uh, जो इनकरेक्ट हेयर रिमूवल मेथड होता है स्पेसिफिकली हेयर रिमूवल क्रीम से आपका इंटीमेट एरियाज डार्क होने शुरू हो जाते हैं दैट इज द वर्स्ट हेयर रिमूवल मेथड जो मैं हमेशा कहूंगी कि इसे 100 परसेंट अवॉइड करें नंबर टू मेथड सेफ है लेकिन अगर ठीक से किया ना जाए उससे भी पिगमेंटेशन हो जाती है एंड दैट इज वैक्सिंग अगर आप कहीं गए जहाँ वैक्स बहुत गर्म लगा दी या बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने uh, आपके इंटरमेट एरियाज़ को वैक्स नहीं किया तो अगर वहां पे आपको थोड़ी सी रैश हो जाए स्किन पुल हो जाए उसकी वजह से भी जब वो रैश या स्किन पुल हील करता है तो हो जाती है पिगमेंटेशन दैट्स नंबर टू शेविंग अगर आपने ठीक से नहीं करी इंटरमेट एरियाज में तो भी पिगमेंटेशन होती है अगर आपने सही तरीके के अंडर नहीं पहने इफ यू डोंट वेयर द राइट लॉन्ड्रे अगर आपके जो पैंटीज हैं सिंपल टर्म्स में इफ दैट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल एंड गुड क्वालिटी मटेरियल वेरी सिंपली इज हंड्रेड परसेंट प्योर कॉटन यस यू वेयर समथिंग सेक्सी वंस इन अ वायल दैट इज गुड फॉर वंस इन अ वायल बट योर रेगुलर वेयर शुड बी हंड्रेड कॉटन अदरवाइज स्वेट अदर इंड ऑफ यू नो फूड्स दैट आर इन योर बॉडी अगर वो भी आपके स्किन को कॉन्स्टेंटली रब करता है उससे भी हो जाती है पिगमेंटेशन एंड जो एक बहुत कॉमन रीजन है जो हम लेडीज में देखते हैं स्पेशली आफ्टर चाइल्ड बर्थ हार्मोनल चेंजेस की वजह से इंटरमेट एरियाज में होती है डार्कनिंग अब देखें हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपके बॉडी uh, में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इंटरमेट एरियाज आपके डार्क हो रहे हैं उसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन जो पहले फैक्टर्स हैं उन पर तो आप हंड्रेड परसेंट कंट्रोल कर सकते हैं यू कैन चूज नॉट टू यूज है रिमूवल क्रीम्स यू कैन चूज टू गेट योर सेल्फ वैक्सड सेफ

एवरी सिंगल डे एंड आई मीन एवरी सिंगल डे अपने इंपेक्टेड uh, एरिया को या अपने इंटरमेट एरिया को वॉश क्लीन ड्राई कंप्लीटली ड्राई उसके बाद आप लगाएंगे कॉइन साइज अमाउंट डिपेंडिंग आपको कितना सर्फिस एरिया कवर करना है आप लगाएंगे अल्फाबुटीन सेरम

इसके ऊपर लगाएंगे प्योर एलोवेरा जेल व्हेन आई से प्योर एलोवेरा जेल आई एम नॉट रियली सेइंग कि आप जाके गार्डन का एलोवेरा निकाल के उसका कूप आउट करके उसको यूज करें आई नो इट्स अ वेरी वेरी प्योर फॉर्म बट उस प्योर फॉर्म से भी काफी लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं एंड डाउन देयर योर वेरी वेरी सेंसिटिव गेट प्योर एलोवेरा जेल जो डब्बे में मिलता है जो सैनिटाइज्ड होता है जिसमें कोई यू uh, नो you know, uh, इन्फेक्शन या कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते फॉर मी दैट इज प्योर एलोवेरा ऑयल जेल किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं एंड दैट इज वॉट यू विल अप्लाई ऑन टॉप लाइक अ मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल हम यहाँ क्यों रेकमेंड कर रहे हैं मैं मॉइस्चराइजर क्रीम ए एच ए बी एच ए पी एच ए ये क्यों नहीं कह रही हूँ बिकॉज एलोवेरा में नेचुरल लाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है नंबर वन नंबर टू एलोवेरा जेल मोस्ट केसेस प्योर एलोवेरा जेल आपको फ्रेग्रेंस भी मिलता है सो यू डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस और इरिटेशन डाउन देयर दैट्स नंबर टू नंबर थ्री इट्स द मोस्ट हाइड्रेटिंग इन्ग्रीडियंट एवर एलोवेरा जेल गोज इन टू सो मेनी ऑफ आर सेरम्स सो मेनी ऑफ आर क्रीम्स बिकॉज उसमें एक ब्यूटिफुल ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टी है

फार्मेसीज मेंंबर टू पिक्सी का ग्लोटोनिक जो है फाइव परसेंट ग्लाइकोलिक एसिड टोना या किसी भी ब्रांड का ग्लाइकोलिक एसिड टोना बट इट शुड बी फाइव परसेंट फाइव परसेंट मैक्सिमम सिक्स परसेंट बट नॉट टेन परसेंट नॉट एट परसेंट नॉट ट्वेल्व परसेंट आप एक बहुत माइल्ड ग्लाइकोलिक एसिड टोनर यूज करेंगे जैसे कि पेक्सी जिसमें है फाइव परसेंट ग्लाइकोलिक एसिड या आप यूज कर सकते हैं फार्मेसी में मिलने वाली ग्लाइकोल क्रीम इसे आप इन जनरल सर्फेस एरिया आपके इंटीमेट एरिया का जो है उधर लगाएंगे उसके ऊपर लगाएंगे सेम एलोवेरा जेल

थ्री मंथ्स इट कैन टेक सिक्स टू मेक योर इंटरमेट एरिया एंड ब्राइट साथ ही साथ आपको प्रिकॉशन रखना है अगर आप हेयर रिमूवल टेक्निक जो भी यूज कर रहे हैं इट हैजू बी सेफ उससे आपकी स्किन पर इरिटेशन नहीं होनी चाहिए आपका स्किन हाइड्रेटेड रहना चाहिए दैट्स नंबर वन नंबर टू आपने हेयर रिमूवल टेक्निक ठीक से करी योर वेरिंग हंड्रेड परसेंट प्योर कॉटन अंडर गार्मेंट्स नंबर थ्री आप अपने इंटरमेट एरियाज में इन जनरल कोई भी हैवीट परफ्यूम कोई भी इस तरह का बॉडी वॉश ना लगाएं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस हो अंडरस्टैंड दैट फ्रेगरेंस इरिटेट्स योर पी एच बैलेंस डाउन देयर एंड यू हैव टू कीप योर पी एच बैलेंस वेल एट ऑल टाइम्स सो ये कुछ प्रिकॉशंस रखें साथ ही साथ फॉलो दिस रूटीन आई प्रॉमिस यू योर इंटरमेट एरियाज बी वेरी वेरी ब्राइट अनादर प्रिकॉशन दैट आई वॉन्ट टू गिव एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो

टॉपिकल का मतलब होता है ऊपर से लानी दिस ट्रीटमेंट इज ओनली गोइंग टू बी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन प्लीज इस ए डोंट स्टार्ट पुटिंग इट लाइक इन साइड योर बॉडी इफ यू नो वट आई मीन एंड या जस्ट यूज इट सेफली यूज इट करेक्टली वीडियो पसंद आई समझ में आई इफ यू एंजॉयड इट डोंट टू हिट द सब्सक्राइब बटन आई विल सी यू टू मोरो विद्रांड न्यू वीडियो टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ बाय